नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th का जो 10th चैप्टर है साइंस का, किशोरा अवस्था की ओर, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं। अपने समान जो जंतु हैं उनका एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उनमें जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो इस अध्याय में क्लास 8th के जो 10th चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि जो मानव का शरीर होता है उसमें जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिसके उपरांत वे जनन के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किशोरावस्था एवं यौवनारंभ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बूझो नाम का एक लड़का था जो कि अपनी अपना 12वां जन्मदिन जो है वो मना रहा था। ठीक है, तो जब उसके मित्र जो है वो चले गए तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो हंसने लगे, उनको टिप्पणी की गई, तुम्हारे जो मित्र थे वो जो है कितने बड़े हो गए थे, ठीक है, कुछ तो दाढ़ी और मूछ जो है उनकी आ गई थी, जो कि कार्टून की तरह लग रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं उनके बीच ये चीज़ें जो है वो चलने लगी, ठीक है, किसी व्यक्ति के वृद्धि को लेकर के। ठीक है, तो वृद्धि जो होता है ये जन्म के समय से ही होने लगती है। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी मृत्यु, इन दोनों के बीच में लगातार जो है वो वृद्धि चलती रहती है। ठीक है, लेकिन 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद जो वृद्धि होती है उसके उसमें जो है वो बहुत तेज़ी से वो व्यक्ति जो है वो वृद्धि करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही जो है वो वृद्धि जो है साफ साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि, जो हमारा वृद्धि होता है इसकी प्रक्रिया का एक भाग होता है। ठीक है, तो इसमें ये बात का संकेत दिया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अब बच्चे नहीं रहे हैं, वो अब युवा अवस्था में आ गए हैं। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है ये एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि जीवन काल से ही, या फिर आप कह सकते हो जीवन काल की अवधि से ही शुरुआत इसकी हो जाती है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जो हमारा जनन भाग होता है वो परिपक्वता उनमें आती है तो वो किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था जो है वो लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 या 19 वर्ष की आयु तक ही रहती है। ठीक है, और यह अवधि जो है क्योंकि अंग्रेजी के जो हमारा टीम्स होता है इनसे लिया गया है। ठीक है, इनकी आयु तक जो है वो रहती है। ठीक है, तो किशोरों को जो आपके टीनेजर्स होते हैं इन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टीनेजर्स। ठीक है, जो किशोर होते हैं, ठीक, लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में अवधि जो होती है वो व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए जो है वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 11 से आपका जो 18 वर्ष या फिर 19 वर्ष है इतने तक ही रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है अवधि जो है वो होती है। ठीक है, किशोरावस्था में जो इनके दौरान जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर के भाग बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आपके यौवना आरंभ का संकेत देते हैं कि ये जो बच्चा है बच्चा नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता जो होती है उसका विकास होता है। ठीक है, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ साथ यौवना आरंभ जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, वयस्क। बन जाता है वयस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यवना आरंभ में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि जो है जब यवना आरंभ शुरू होता है तो एकाएक लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे कि जो उनकी वृद्धि होती है वो साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो इस समय जो शरीर होती है उनकी अस्थियाँ जो हैं वो लंबी हो जाती हैं, हाथ पैर जो होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लंबाई वृद्धि जो होता है इससे व्यक्ति जो है वो लंबा हो जाता है। यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आयु दी गई है वर्षों में और उनकी लंबाई जो है वो प्रतिशत में दी गई है। अगर किसी की लंबाई प्रतिशत में दी गई हो और वर्ष दिया गया हो तो आप जो है किस प्रकार से उसकी पूर्ण लंबाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, ये नीचे आपको बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको प्रतिशत में कोई चीज़ दी गई हो उसकी वर्तमान लंबाई या फिर पूर्ण लंबाई ज्ञात करनी हो तो पहले आप क्या करेंगे, वर्तमान लंबाई उसकी क्या है वो तो आपको दिया जाएगा।
ठीक है, और उसकी वर्तमान आयु के पूर्ण लंबाई प्रतिशत कितनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लड़के की 8 वर्ष की उम्र में 72% जो है लंबाई पहुँच चुकी है, ठीक है, और 18 वर्ष की आयु में वो 100% पहुँच चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप लड़कियों के भी प्रतिशत में आयु देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखाया गया है, जैसे एक लड़का है जिसकी आयु कितनी है 9 वर्ष, ठीक है, और उसकी लंबाई क्या है 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 9 वर्ष है इस पर लड़के की ये पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना है 75%। तो आप क्या करेंगे, वर्तमान लंबाई कितनी दी गई 120, ठीक है, और वर्तमान लंबाई की जो हमने देखा था प्रतिशत वो कितना 75, ठीक है, और इसमें अगर जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा 160 जो है वो आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एक आपको क्रियाकलाप देखिए दिया गया है। इसमें जो है आयु के साथ साथ जो लड़की बढ़ती ऊंचाई होती है उनका प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ये ग्राफ है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो जो लड़कों की लंबाई है वो अभी 8 वर्ष में 72% है, लड़कियों की 77, 9 वर्ष में 75 है, लड़कियों की 81, 10 वर्ष में 78 है, 84, 11 में 81 और 88, ठीक है, 12 में 84, 91, 13 में 88 न 95, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 वर्ष तक आते आते जो है वो पूरा जो है वो 100% जो है वो बराबर हो जाता है। तो वही ग्राफ आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि जो लंबाई है वो 8 वर्ष में जो है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है, लेकिन ये अपने 18 वर्ष की आयु में आते आते इनकी लंबाई जो है वो समान हो जाती है, कितना हो जाती है 100%, ठीक है, इन्हें पूर्ण लंबाई प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो प्रारंभ में जो लड़कियां थी वो लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों क्या हैं कि उनकी लंबाई जो है वो समान हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका हरा वाला जो यहाँ पे नीला रंग का है वो लड़कियों का है और ये लड़कों का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लड़कों का 8 वर्ष की उम्र में 70 है, लड़कियों का 75, लेकिन 18 वर्ष जाते जाते दोनों की कितनी हो गई है 100 आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे लंबाई जो है वो अपने पूर्ण विकास में आ जाती है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब किसी बच्चे की क्या होती है कि हाथ और पैर उसके जो होते हैं, हाथ और पैर ये लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो बाद में क्या होता है ये धीरे धीरे उनके जो हाथ पैर होते हैं वो धीरे धीरे विकास करके उनकी जो शरीर होती है वो विकास करके क्या करते हैं कि शरीर के अनुपात को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है, जिससे शरीर जो है वो अच्छा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो हमने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई जो है उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। ये किसके कारण होता है, जो हमारा गुणसूत्र होता है उसके अंदर जो आपके DNA पाए जाते हैं, ठीक है, जीन, ठीक है, ये इनके माध्यम से होता है, ठीक है। इसी के कारण जो लंबाई माता पिता की प्राप्त जो है वो जीन पर निर्भर करती है, ठीक है, लेकिन वृद्धि में ये क्या करते हैं कि वर्षों में उचित प्रकार का अगर संतुलित आहार न ले तो इनके शरीर में जो है वो अनेक प्रकार की बीमारियों से जो है वो ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, ठीक है, तो शारीरिक आकृति में परिवर्तन क्या होगा, इस अवस्था में 18 वर्ष की आयु तक कंधे और सीने का जो निचली कक्षा के जो छात्र हैं उनकी अपेक्षा जो है बड़े वाली कक्षा, जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बच्चे होते हैं उनके सीने और कंधे जो हैं वो चौड़े होते हैं, किसकी अपेक्षा, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जबकि वृद्धि के कारण कंधे क्या करते हैं वो फैल करके चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। लड़कियों के कमर का निचला भाग जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ जो हैं वो लड़कियों की अपेक्षा जो है वो अस्पष्ट एवं अच्छी या फिर गठित दिखाई देती हैं, ठीक है। अतः जो किशोरावस्था होता है उसके दौरान जो लड़के एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप दूसरा, यहाँ पे हमने पहला तो वृद्धि देख लिया, दूसरा देखते हैं स्वर में परिवर्तन, ठीक है। तो जब यौवना आरंभ प्रारंभ होता है तो स्वर यंत्र अथवा जो हमारे लैरिंक्स हैं, ठीक है, इनमें वृद्धि होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है वो विकसित होकर के अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, यही आपका क्या है, स्वर यंत्र है, क्या है, एडम्स एप्पल, ठीक है, ये आपका स्वर यंत्र है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि बड़े हो जाते हैं जो कि गले समान जो है उभार के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है,
जिसे कंठमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठमणि। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंठमणि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके स्वरयंत्र क्या, जो स्वर होते हैं, इनमें वृद्धि होने के कारण क्या करते हैं, आवाज जो है वो फटने लगते हैं, भर्राने लगते हैं। ठीक है, इस स्थिति में कुछ दिन बाद या कुछ सप्ताह के बाद ये क्या करते हैं, स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। ठीक है, किशोर में स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियों का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण जो है वो कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर जो है वो फुसिया या फिर मुहासे जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, दाने कुछ निकलने लगते हैं। तो स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथियां जो है अपना स्राव जो है वो वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। ठीक है, अतः जो स्राव ग्रंथियां होती है वो हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह से क्या करते हैं, निर्मोचित करते, सीधे रुधिर प्रवाह में ही छोड़ देते हैं, जो कि क्या करता है, एक नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई नलिका नहीं होती, ये रक्त की नलिकाओं के द्वारा अपने कार्यों को करता है। ठीक है, अब तीसरा है जनन, चौथा है हमारा जनन अंगों का विकास। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने जो हमारा पिछला अध्याय है उसमें हमने जनन के बारे में जो है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो नर में जो जननांग होते हैं वो वृषण शिश्न होते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः क्या करते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, वृषण में जो शुक्राणु होते हैं इनका उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, और लड़कियों में अंडाशय साइज में क्या होते हैं, वृद्धि होने लगता है। ठीक है, आकार में, तथा अंड क्या है, ये परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, अंडाशय से अंडाणुओं को निर्मोचन जो है वो भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में आने पर चौथा देखते हैं कि मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो व्यक्ति होता है उसके सोचने, समझने तथा कार्य करने के ढंग में बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर बौद्धिक क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है, वो सोचने और विचारने में काफ़ी समय जो है वो लेता है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, इसमें वो क्या करता है कि समय लेता है, और उसके मस्तिष्क में या फिर जो किशोरावस्था में जो व्यक्ति जाता है उसके मस्तिष्क में क्या होता है कि सीखने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। कभी कभी किशोर क्या करता है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति क्या करता है, अपने अपने आप को ढालने के लिए क्या करता है कि वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। ठीक है, लेकिन किशोर होने के नाते वह आपको क्या करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करना ये कोई कारण जो है वो नहीं है, ये जो परिवर्तन होते हैं ये प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो अध्याय 9 में हमने ये पढ़ा था कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग होते हैं। ठीक है, वृषण हमारा मानव जनन अंग है और अंडाशय जो है ये नर जनन अंग है। ठीक है, ये युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु से मिलने से जो युग्मक का निर्माण होता है, युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, तथा लड़कों के चेहरों पर जो बाल हैं वो उग जाते हैं, दाढ़ी मूछ ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने लगती हैं। ठीक है, ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को जो है लड़कों को पहचानने में सहायता करती है, अतः इन्हें क्या बोलते हैं, हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में प्यूबिक क्षेत्र में क्या होता है कि बाल आ जाते हैं। ठीक है, जो किशोरावस्था होता है उसमें होने वाले परिवर्तन में जो आपका हार्मोन होता है उन्हीं के द्वारा इनका नियंत्रण जो है वो होता है। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, जैसे कि यौवनारंभ के साथ जो पुरुष होते हैं वृषण हार्मोन क्या कहते हैं, पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण जो है वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लड़कों में परिवर्तन का ही एक कारण होते हैं, उदाहरण के लिए चेहरों पे बाल आना। ठीक है, और लड़कियों में जब यौना आरंभ होता है तो उनके साथ अंडाशय जो है स्त्री हार्मोन का क्या करता है, श्रावण करना शुरू कर देते, जिसे क्या बोलते हैं, हम इस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, जिससे स्तन विकसित जो है वो हो जाते हैं, दुग्ध श्रावी ग्रंथियां जो हैं वो दुग्ध ग्रंथि स्तन के अंदर विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इस हार्मोन को उत्पादन जो है वो नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है हमारे, कहाँ पाया जाता है,
मस्तिष्क में, ठीक है, जो कि क्या करता है कि हमारे सभी जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रण किया करता है मस्तिष्क से, ठीक है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जनन प्रकार प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है। तो जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें हार्मोन जो होता है वो रुधिर के माध्यम से क्या होता है, प्रवाहित होता है, श्रावित होता है, ठीक है, जिससे वो शरीर के अनेक भागों तक पहुँचता है, जिसे हम लक्ष्य स्थल बोलते हैं, जहाँ पर उसे क्या करता है, सक्रिय होना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब ये हमारे रक्त के साथ रहते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये जैसे ही अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचते हैं वहां पे सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये केवल अपने उन्हीं स्थान पर सक्रिय होते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। वृषण एवं अंडाशय जो है वो लैंगिक हार्मोन श्रावित करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन क्या है, गौर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि हमने देखा जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजेन था, ठीक है, वो, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जो था ये अनेक हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है, उनमें से जो हार्मोन होता है ये अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने के लिए नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है उससे श्रावित जो हार्मोन होता है वो जननांगों को जैसे टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, और एस्ट्रोजन, ठीक है, इन्हें श्रावित करने के लिए एक उद्दीपन कर, उद्दीपन का मतलब कि एक ऐसी क्रिया जो कि बहुत ही जल्द की जाए, ठीक है, जैसे कि आपके शरीर के जो कोई बाह्य कारक होता है वो उनके माध्यम से तेजी से कोई प्रतिक्रिया की जाए, वो आपका उद्दीपन कहलाता है, ठीक है, ये क्या करता है, उसे उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में श्रावित किया जाता है जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है, ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक। तो क्या जो हमारे ये मानव जनन काल होता है इसकी कोई अवधि भी होती है या फिर ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो मानव जनन अंग के जनन काल की अवधि क्या होती है, ठीक है। तो स्त्रियों में जननाव अवस्था का प्रारंभ जो है वो यौवना आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है, ठीक है, तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक ये चलता है, ठीक है। और यौवना आरंभ पर अंडाणु जो है वो परिपक्व होने लगते हैं, अंडाशय में एक अंडाणु जो है वो परिपक्व होता है, लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर यह एक अंडाणु के द्वारा क्या किया जाता है, निर्मोचित किया जाता है, ठीक है। इस पूरे अवधि में क्या होता है, गर्भाशय की एक दीवार जो है वो मोटी हो जाती है, जिस पर वह अंडाणु के निषेचन का पश्चात जो है वो युग्मनज को ग्रहण कर सके, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है वो गर्भधारण होता है, ठीक है। यदि अंडाणु का निषेचन जो है वो न हो या फिर नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में अंडाणु का जो गर्भाशय होता है वो मोटे अस्थ उसकी रुधिर वाहिनिकाओं सहित क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, निस्तारित हो जाता है, ठीक है, जिससे स्त्रियों में रक्त श्राव होता है, जिसे ऋतु श्राव बोलते हैं, ठीक है, अथवा रोज धर्म कहते हैं उसे, ठीक है। तो ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। पहला ऋतुस्राव जो है वो यौवना आरंभ में होता है, जिसे रोज दर्शन कहते हैं, ठीक है, रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना जो है वो रुक जाता है, ठीक है। ऋतुस्राव के रुक जाने से जो आपके रजोनी वृत्ति होती है उसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारा ऋतुस्राव जो होता है उसे रुकने को, ठीक है। तो प्रारंभ में ऋतुस्राव जो है वो चक्र अनियमित हो सकता है, लेकिन उसके नियमित होने में कुछ समय जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो ऋतुस्राव चक्र को नियंत्रित करने के लिए उन्हें भी हार्मोन की आवश्यकता होती है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवारों का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में क्या होता है, उसका टूटना शामिल होता है, ठीक है। यदि अंडाणु जो है उसका निषेचन न हो मतलब निषेचन हो जाता है तो यह विभाजन करता है कि गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं संतति के लिंग निर्धारण जो है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो संतति होती है वो लड़का होगा या फिर लड़की, इसके बारे में किस प्रकार से जो है
निर्धारण होता है। तो निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु में लिंग निर्धारण का यह संदेश होता है, ठीक है। यह संदेश निषेचित अंडाणु के धागे से संरचना जैसे गुणसूत्र में ही निहित होती है। जैसे कि हमने अध्याय 8 में पढ़ा था कि जो गुणसूत्र होते हैं उनमें एक केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है, और ये सभी की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र मतलब कि 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे बचे 21 गुणसूत्र, 21 जोड़े गुणसूत्र, वो क्या करते हैं कि वो एक समान होते स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी, ठीक है, जिन्हें हम यक्ष और वायु कहते हैं, ठीक है। स्त्री में दोनों जो है वो यक्ष गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें एक यक्ष होता है, दूसरा वायु होता है, ठीक है। जबकि पुरुष में यक्ष और वायु गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जब जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, अगर जो हमारा यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज के 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं तथा मादा शिशु को विकसित होगा, ठीक है। मादा शिशु जो है वो विकसित होगा यदि दोनों यक्ष होते हैं, ठीक है। अगर एक गुणसूत्र यक्ष है तथा दूसरा गुणसूत्र वाई है तो उसमें क्या होगा, एक नर शिशु जो है वो विकसित होगा, ठीक है, जो कि युग्मनज में नर शिशु का विकसित होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जन्म के पूर्व जो है शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये पूर्णतः क्या है, निराधार है, गलत है, ठीक है, और ये अन्याय संगत है। अगला देखते हैं, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो लिंग हार्मोन के अलावा आपके पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, अग्न्याशय पाई जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके कारण जो है वो हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो एक पहेली और बूझो जो थे, ये दो बच्चे अपनी बुआ के घर गए थे जो कि एक डॉक्टर थी। वहाँ पे एक काका नाम का लड़का था जिसे क्या हुआ था, उसके जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उसका जो गला था वो फूल आया था, क्या था, फूल आया था, ठीक है। तो उसकी बुआ ने बताया कि इसे क्या है, गाइटर है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ जहाँ पे आपकी ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, एकदम गले में ही थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो इस ग्रंथि में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है ये एक थायरोक्सिन हार्मोन, क्या थायराइड ग्रंथि क्या निकालती है, आपका थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, ठीक है। और यही थायरोक्सिन जो हार्मोन है अगर नहीं निकलता है तो क्या होता है कि इससे जो आपकी थायराइड ग्रंथि है यहाँ पे एक सूजन जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो बूझो थे, ठीक है, और उनकी जो फूफा जी थे, ठीक है, उनके मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे, क्योंकि अग्न्याशय में एक इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। जब ये हार्मोन जो है स्रावित नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है वो मधुमेह का रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, मधुमेह के क्रिया को या फिर मधुमेह की प्रगति को रोकता है, ठीक है। तो उनकी बुआ ने उन्हें ये बताया कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो कि रुधिर में क्या करता है कि नमक की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनेलिन, नमक हार्मोन का श्रावण जो है एड्रिनेल करता है, ठीक है। एड्रेलिन जो है वो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव एवं संयोजन का कार्य जो है वो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शारीरिक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से जो है वो प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का श्रावण करती है, ठीक है। तो थायराइड एड्रिनल ये सारी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि जो है इनकी सब एक तरह आप कह सकते हो कंट्रोल रूम होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है जो किसी व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला देखते हैं,
कीटों एवं मेढकों में जीवन चक्र जो है वो पूर्ण करने के लिए हार्मोन का योगदान। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो रेशम के कीट होते हैं उनका जीवन चक्र इल्ली, इल्ली से फिर वयस्क होना, वयस्क से फिर जो है रेशम का कीट बनना, ये जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। इसी प्रकार जो हमने टैडपोल देखा था, सबसे पहले टैड अंडा होगा, फिर छोटा टैडपोल, बड़ा टैडपोल, इसके बाद वो वयस्क मेढक बनता है। ठीक है, तो लार्वा के वयस्क बनने के परिवर्तन को ही कायांतरण कहते हैं, या फिर टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया के बीच जितने भी अंतर आप दिखाई देते हैं वो आपके कायांतर दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे कीट हार्मोन के द्वारा जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि नियोजित किया जाता है। मेढक में थायराइड के द्वारा जो है थायरोक्सिन क्या करता है, इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। यदि जल जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल जो है वो मेढक में जो है परिवर्धित नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। तो व्यक्ति के कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना जो है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, किसी भी आयु में व्यक्ति का शरीर जो होता है उसको स्वस्थ रखने के लिए उसे उस जो व्यक्ति होता है उसके शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए उन्हें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि जो संतुलित आहार होता है वो क्या होता है, तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसके अंतर्गत सभी पोषक पदार्थ या फिर जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और व्यक्ति को अपने चारों तरफ स्वच्छता एवं सफाई पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक व्यायाम ये सारी चीज़ें जो है वो करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करती हो तो इन सभी चीज़ों का महत्व जो है वो और भी ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किशोरों में पोषण जो है उसकी आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जो किशोर होते हैं उनमें तीव्र वृद्धि एवं विकास की ही अवस्था होती है। ठीक है, इसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वो वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, तो किसी भी किशोर के आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक जो है वो करना चाहिए। आहार को बहुत ही सावधानी पूर्वक खाना और पीना चाहिए। ठीक है, जिसे संतुलित आहार क्या है जो हमने अभी बताया, संतुलित आहार का अर्थ ये होता है कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सारे खनिज जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त हो। ठीक है, उनमें समावेश हो। ठीक है, तो जैसे हमारा भारतीय भोजन अगर हम इसकी बात करें तो हमारे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। तो किसी भी एक संतुलित आहार के लिए दूध जो है ये अपने आप में ही एक संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा संतुलित आहार होता है ये इनके अंदर सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फल भी हमें पोषण देते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो माँ होती हैं उनके द्वारा वो जो दूधों का सेवन करते हैं उनमें उन छोटे बच्चों के लिए अपने आप में ही एक पूर्ण पोषण जो है, या फिर आप कह सकते हो एक संतुलित आहार जो है उनके अंदर विकसित रहता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो लोहा होता है, आयरन जो होता है, ये तत्व हमारे शरीर का जो है वो रुधिर का निर्माण करता है, जिसमें लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिसमें पत्तीदार सब्जियां हुई हैं, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर जो है वो पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व जो है वो पाया जाता है। ठीक है, हम दोपहर एवं रात के भोजन क्या करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें दूध, मांस, नट, दाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें सम्मिलित हैं। ठीक है, वसा एवं शक्कर भी शामिल होता है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे जितने मीठे चीज़ होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जैसे जो गुड़ होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो फल और सब्जियों का क्या स्थान है यहाँ पे, जो कि भोजन के रक्षा करते हैं। जो जैसे कि जो हमारे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि चिप्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं जो खाने में तो स्वादिष्ट होते हैं लेकिन इनके अंदर जो है वो आपके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ जो है वो नहीं पाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे मांस है, सब्जी है, दूध, अंडे हैं, फल है, सेब है, संतरा है। ठीक है, और ये आपके खाद्यान्न है। ठीक है, चना है, गेहूं है, और ये आपके जो
राजमा होते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक, अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की। तो जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है उसे किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन जो है वो एक बार स्नान करना चाहिए, स्नान। ठीक है, क्योंकि किशोरों के लिए यह जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियां जो हैं वो क्रियाशील होने के कारण इनसे जो है आपकी जो एक तरह से ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, क्रियाशील होने के कारण आपके शरीर से जो है वो गंध जो है वो निकलने या फिर निकल सकता है, निकलने लगता है। ठीक है, और शरीर के सभी भागों के स्नान करते समय जो है हमें जो है अच्छे से उन्हें धो लेना चाहिए। ठीक है, यदि सफाई हम नहीं करते हैं तो हमें जीवाणु संक्रमण रोग जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो लड़कियों को ऋतुस्राव के समय जो है वो सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक व्यायाम। हमें ताजी हवा में टहलना चाहिए, खेलना चाहिए, शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखना चाहिए। ठीक है, ये किशोरावस्था में बहुत ही ज़्यादा जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियां जो होती हैं उन्हें टहलना चाहिए, व्यायाम और बाहर जो है वो खेलना चाहिए। अब बात करते हैं नशीली दवाएं, ड्रग्स का निषेध करें, इन्हें न करें। ठीक है, किशोरावस्था में किसी व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है वो अधिक सक्रियता का समय है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके शरीर की वृद्धि होती है, उनके मस्तिष्क का वृद्धि होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, एक तरह से आपका जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग होता है। ठीक है, जिसमें जो है बहुत से लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है आपको ये बताए कि जो ड्रग होते हैं, जो नशीली दवा, उनका सेवन करने से आपको अच्छा और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो ये क्या है कि आप उसके लिए ना कर दें, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये तब तक आपको नहीं लेना जब तक कोई डॉक्टर जो है वो आपको न दे। ठीक है, ड्रग नशीला एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी अगर एक बार लत लग जाती है, एक बार अगर ये आपको मिल जाता है तो आपको इसे बार बार लेने की इच्छा जो है वो होती रहती है, जिससे यह कालांतर में यह बहुत ही हानिकारक होता जाता है। जैसे जो हमारा एड्स है, ठीक है, ये क्या करता है, एक HIV नामक एक खतरनाक विषाणु के कारण होता है, जो कि किसी एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग का इस्तेमाल करने से जा सकती है, सिरिंज के द्वारा जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एड्स से संक्रमित व्यक्ति है, उसको कोई सिरिंज जो है वो लगा दी गई, उसके बाद वही सिरिंज जो है वो आपके शरीर में लगा दी गई। ठीक है, तो उससे क्या है कि एड्स के लक्षण जो है वो उस व्यक्ति के आपके आपके अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो वायरस से संक्रमण जो होता है ये क्या होता है कि HIV से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, इनके साथ लैंगिक संपर्क जो है वो स्थापित करने से इस रोग का संक्रमण जो है वो होता है, तथा माँ के दूध और उनके शिशु में भी हो सकता है। ठीक है, तो किशोर द्वारा गर्भधारण, आप संभवतः ये जानते होंगे कि हमारे देश में जो है विवाह की विसंगति कानून या फिर जो आयु लड़कियों तो उसके 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका कारण यह है कि जो टीन आयु होते हैं, जो किशोर लड़कियां या माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है वो मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं। ठीक है, बाल विवाह जैसे कि कम उम्र में जो विवाह होता था पहले के समय में, उसे बाल विवाह कहते थे। ठीक है, तथा मातृत्व से माँ तथा संतान जो है वो दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इससे युवा स्त्रियों के लिए जो है व्यवसाय के अवसरों में भी क्या है, कमी आ जाती है, क्योंकि वो मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती हैं और वो मानसिक पीड़ा से भी ग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, पहला है, इस अभ्यास से जुड़े क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों और श्रावित पदार्थों का जो है वो क्या नाम है। ठीक है, तो शरीर में जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथि जो आते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्रंथि आती है, ठीक है, और जो आपके थायरोक्सिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो हार्मोन होते हैं ये एक आप एक तरह से कह सकती हो रासायनिक संदेश वाहक पदार्थ होता है, जो कि रुधिर में घुल करके, ठीक है, जो कि शरीर में होने वाला जो परिवर्तन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोनों को क्या किया जाता है, श्रावित किया जाता है, जिसे हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आई संक्षेप में आप ये समझ सकते हो, शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनके लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो श्रावित पदार्थ जो है वो बाहर निकाला जाता है, श्रावित किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, रुधिर के माध्यम से अपने
लक्ष्य तक जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होता है इसकी परिभाषा आपको देनी है। तो जो वृद्धि होती है वो एक प्राकृतिक प्रक्रम होता है, जीवन काल की वह अवधि वह स्थिति जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो जनन क्रियाएं होती हैं उनमें परिपक्वता आती है, वो क्या कहलाता है आपका, किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो ऋतुस्राव होता है, ठीक है, स्त्रियों में जनन अवस्था के प्रारंभ में जो यौना आरंभ शुरू होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो अंडाणु के निषेचन होने के बाद युग्मक को ग्रहण जो है वो करता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है वो गर्भधारण होता है। ठीक है, कोई भी स्त्री जो है, ठीक है, तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय में एक मोटी अस्तर की एक रुधिर वाहिनी क्या क्या करती है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण जब जो है अंडाणु या फिर अंडाणु का निषेचन जो है वो नहीं होता है तो अंडाणु जो है वो रुधिर वाहिनिकाओं के द्वारा जो है वो बाहर आता है, जिसे स्त्रियों में रक्त स्राव बोलते हैं या फिर जिसे ऋतुस्राव बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऋतुस्राव होता है इसे हम रजोधर्म भी कहते हैं, रजोधर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि यमुना आरंभ, ठीक है, जो यमुना आरंभ होता है इसमें होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची जो है बनाइए। ठीक है, तो यमुना आरंभ में जो परिवर्तन होते हैं जैसे कि आपके वृद्धि में परिवर्तन होंगे, ठीक है, किसमें, आपकी वृद्धि में परिवर्तन होंगे, ठीक है, और जो आपके आवाज़ है उनके अंदर जो है वो परिवर्तन होंगे, आपके मानसिक बौद्धिक और संवेदात्मक जो है चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो है वो शारीरिक रूप से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जनन अंगों का विकास होता है, ठीक है, शारीरिक आकृति जो है उसमें परिवर्तन आती है, कंधे तथा और जो सीने होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जो आपके ग्रंथियाँ होती हैं वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि हार्मोनों का श्रावण जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जनन प्रकार प्रारंभ होने पे जो आपके हार्मोन होते हैं वो भी श्रावित होने लगते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति होता है जो शरीर होते हैं उनके अंदर जो है वो आपका जनन करने की क्षमता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि कालम 2 कालम वाली ऐसी सारणी बनाइए जिसके अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन के नाम जो है वो दर्शाए गए हों। ठीक है, तो क्या करते हैं, आइए बनाते हैं इसकी सारणी। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे ग्रंथि है, और ये क्या है यहाँ पे हार्मोन है। ठीक है, तो जो हमारी प्यूटिटरी होती है, कौन सी ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये क्या करती है आपका जो वृद्धि हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन उसे स्रावित करती है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, दूसरा आपका जो थायराइड होता है, थायराइड, थायराइड क्या करता है, ये आपके थायरोक्सिन जो होता है ठीक है ये स्रावित करता है। ठीक है, थायरोक्सिन, और जो हमारा एड्रिनल होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल, ठीक है, ये एड्रिनल, एड्रिनल, ये हार्मोन जो है वो स्रावित करती है। और जो हमारा टेस्टेस होता है, क्या होता है, टेस्टेस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पेंक्रियाज, जो हमारा अग्न्याशय होता है,
अग्न्याशय ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित करता है, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके नाम और जो स्रावित कुछ हार्मोन के नाम, ठीक है। तो अब अगला जो है वो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, वो ये है कि लिंग हार्मोन क्या है, उसके नामांकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उसके प्रकार ये बताइए, ठीक है। तो जो हमारा लिंग हार्मोन होता है वो क्या होता है, एक ऐसा हार्मोन जिसके द्वारा जो है आपके मूलभूत जो शिशु होते हैं उनके अंतर्गत लिंग के निर्धारण के लिए जो हार्मोन स्रावित होता है, ठीक, वो आपका लिंग निर्धारण या फिर लिंग हार्मोन कहलाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर ये जो हार्मोन होते हैं ये रक्त में प्रवाहित होते हैं और ये क्या करते हैं कि जब ये अपने लक्ष्य स्थल तक पहुँचते हैं तब वो क्या करते हैं, वहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं, तथा जो हमारा एक तरह से आप कह सकते हो लिंग हार्मोन होता है ये अलग होता है, क्योंकि ये बाद में काम करना शुरू करता था, धीरे धीरे प्रजनन के लिए शरीर को विकसित करता है, ठीक है। तथा लिंग हार्मोन जो है वो विकास और विकास में जो मूलभूत परिवर्तन होते हैं उनके लिए ये उत्तरदायी होता है, और माध्यमिक जो आपके विकास होते हैं उसके लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। वृषण और अंडाशय में ये प्रजनन अंग जो है इन्हें भी विकसित करता है, और जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इनके द्वारा या फिर जो आप हमारे पीयूष ग्रंथि होती है ये इनके द्वारा जो है इनका श्रावण किया जाता है। यही कारण है कि इन्हें जो है लिंग हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। लिंग हार्मोन के कार्य जो है वो पुरुष में वृषण जो है पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या है आपको, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये किसमें, नर में, ठीक है। और जो आपका उत्पादन करता है ये हार्मोन जो है प्राथमिक और माध्यमिक यौन पत्रों का विकास करता है और रख रखाव के शुक्राणु के उत्पादन में मदद करता है, ठीक है। और जो आपका एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन किस में होता है, ये मादा में, ठीक है, मादा में जो है ये, या फिर आप प्रोजे स्टेरॉन जो है इसका स्राव जो है वो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि पहला दिया है कि उचित भोजन के से उनके मस्तिष्क का विकास होगा, दूसरा है कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता जो है वो होगी, ठीक है। तो जो किशोर अवस्था में स्वाद कलिका जो ग्रंथियां होती हैं वो भली भांति विकसित होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका दूसरा है कि शरीर में तीव्र गति से वृद्धि होती है और उचित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। खा देखते हैं, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ जो है उस समय होता है जब उनके, पहला है ऋतुस्राव जो है वो प्रारंभ होता है, दूसरा स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, तीसरा क्या, शारीरिक भार में जो है वो वृद्धि आती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि जो हमारा ऋतुस्राव है ये प्रारंभ होता है, ठीक। ग देखते हैं, जो ग है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार जो है किशोर के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, या जो है सर्वोचित जो है वो है, ठीक है। तो इसमें जो आपके रोटी दाल सब्जी जो है ये सारी चीजें आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि जो हमारे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। क्या है, पहला जो हमारा एड्स एप्पल है, ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो जो एड्स एप्पल होते हैं इनमें क्या होता है कि ये हमारे जो ग्रंथियां होती हैं ये उनके माध्यम से श्रावित होते हैं, ठीक है, जिससे कि जो
व्यक्ति होता है उसके अंदर जो उसके स्वर यंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर स्वर परिवर्तन जो है उसमें होता है, ठीक है। लड़कों में स्वर यंत्र जो है वो विकसित होकर के अपेक्षाकृत वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो कि जिसे हम गले में जो है अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, या फिर कंठमणि आप बोल सकते हो, ठीक है इसे, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो लड़की लड़कियों तो इनके अंदर जो स्वर यंत्र पाए जाते हैं ये इनके विकास के लिए इनका योगदान जो है वो होता है, ठीक है। तो अगला है आपका, दूसरा है कि गौण लैंगिक लक्षण। इसमें क्या है कि जो हमारा या फिर जो किसी व्यक्ति के वृषण तथा अंडाशय में जनन अंग होते हैं, ये ह्यूमन अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु जो उत्पन्न करते हैं, तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों के विकास होने लगता है तथा लड़कियों के चेहरे पर जो है वो बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो गौण लैंगिक लक्षण जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, ठीक है। इसमें कि जैसे जब किसी शिशु का लिंग निर्धारण वो किस प्रकार से होता है, तो हम जानते हैं जो पुरुष होते हैं उनके अंदर जो है वो या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है और जो स्त्रियां होती उनके अंदर भी 46 46 गुणसूत्र का मतलब यहाँ पे क्या है, गुण सूत्र, ठीक है। इसका मतलब ये इनके पास 23 जोड़ा यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 23, सॉरी 35 मैंने लिख दिया, 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा में 2 जोड़ा यहाँ पे तो 2300 समान होंगे, ठीक है, किसमें होगा, सब में यक्ष और यक्ष पाया जाएगा, लेकिन जो नर का होता है उसके अंदर एक यक्ष होता है एक वाई होता है, ठीक है। जब ये वाई जो है इस यक्ष के साथ निषेचन होगा तो यक्ष वाई जो है वो बनेगा, यक्ष वाई में क्या बनेगा, वो नर बनेगा, ठीक है। और जब ये यक्ष और ये यक्ष मिलते हैं तो यक्ष और यक्ष होता है, जिसके कारण जो है वो मादा शिशु का जन्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शब्द पहेली के द्वारा जो है वो बने संकेतों को उनसे जो हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं उन्हें लिखना है। तो बाईं से दाईं ओर पहला है कि जो एड्रिनल हार्मोन होता है, ठीक है, या ग्रंथि होती है, वो कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित करती है, वो क्या करती है, एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल, ठीक है, कौन सी हार्मोन स्रावित करते हैं, एड्रिनल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें जो इस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है आपका, कायांतरण, ठीक है, क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, ठीक है। जो एड्रिनल होता है वो कौन सा हार्मोन आपका स्रावित करता है, एड्रिनेलिन, ठीक है, कौन सा, यहाँ पे जो हमने लिखा था ठीक है। अगला देखते हैं, 5वां, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, हार्मोन, ठीक है। और 6वां देखते हैं, किशोरावस्था को कहा जाता है, जो किशोरावस्था होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, जो कि हमने देखा था क्या था, टीनेजर्स, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की ओर पहला है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ठीक है, उनके क्या नाम होते हैं, ठीक है, नलिका विहीन, ठीक है। दूसरा, स्वर पैदा करने वाला जो अंग होता है, ठीक है, जो कि हमने देखा था वो क्या
कहलाता है, ठीक है, जो स्वर पैदा करने वाला अंग होता है, स्वर यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर यंत्र, ठीक है। तीसरा जो है स्त्री हार्मोन, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, जो कि हमने देखा था, जो हमारा स्टे एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे दी गई सारणी में आयु जो है वो वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों के अनुमानित लंबाई के आंकड़े जो है वो दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई की आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ग्राफ जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष जो है वो निकालते हैं? तो इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 50 सेंटीमीटर या फिर जो 53 सेंटीमीटर की लंबाई है वो लड़के तथा लड़कियों दोनों में बराबर होती है, ठीक है। तथा 13 से 18 वर्ष तक की आयु में लड़कियाँ जो क्या जो व्यक्ति हैं या फिर जो लड़के तथा लड़कियों, तो ये अपनी पूर्णतः आयु जो है वो प्राप्त कर लेती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 16 वर्ष पे देख सकते हो कि जो आयु है वो 150 सेंटीमीटर दोनों की हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 173 और 165। तो आगे चल के ये क्या करेंगे कि ये दोनों जो है वो एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, जहाँ पे इनकी आयु का 100% जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि किसी भी लड़के तथा लड़कियों की लंबाई जो है वो एक निश्चित अवधि में जो है वो पूर्णतः हो जाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 16वें वर्ष में 150 दोनों का है, लेकिन 20वें वर्ष में अलग अलग हो गए, ठीक है। आगे चल करके ये और भी जब तक 100% आ जाएगा, ये क्या करेंगे कि बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।